प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फोल्डर को लेकर। ठीक है, फोल्डर क्या होते हैं, ये फोल्डर से आपका क्या अभिप्राय है। फोल्डर इज ए कंटेनर और स्पेस टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स। फोल्डर इज ए कंटेनर, फोल्डर एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर जो चीज बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखने के लिए यूज की जाती है उसको हम कंटेनर बोलते हैं। जैसे टोकरी होती है ना, टोकरी के अंदर हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी डाल सकते हैं, तो वो एक तरह का कंटेनर हुआ। ठीक है, कंटेन कर रही है ना अपने अंदर उन सारी चीजों को, वो समाहित कर रही है या समाविष्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको हम कंटेनर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि फोल्डर जो है वो एक तरह का कंटेनर ही होता है। अब फोल्डर क्या कंटेन करता है, फोल्डर जैसे टोकरी होती है ना, वो तो बाकी सामान को कंटेन करने के काम आती है, रखने के काम आती है। फोल्डर का काम होता है अपने अंदर फाइल्स को रखना। फाइल्स को भी अपने अंदर रख सकता है और अपने अंदर ये फोल्डर्स को भी रख सकते हैं। और ठीक है, फोल्डर इज ए कंटेनर और स्पेस, इसको हम स्पेस भी बोल सकते हैं, खाली जगह भी बोल सकते हैं, टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, फाइल्स को स्टोर करने और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए। और फोल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी, फोल्डर को हम एक डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब फोल्डर देखने में कंप्यूटर में इस तरह का होता है, ये येलो कलर का, इसका कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं। और बीच में देखो ये सारी के सारे जो पेजेस हैं इनको हम बोल देंगे फाइल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ कैन वी क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर आर, फोल्डर को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स दिए हुए हैं, जो चरण है वो ये आगे दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ओपन कंप्यूटर ड्राइव वेयर यू वॉन्ट टू मेक अ फोल्डर, कंप्यूटर की ड्राइव को ओपन करें जहां पे आप फोल्डर को बनाना चाहते हैं। ठीक है, नाउ राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया एंड सेलेक्ट न्यू, उसके बाद फोल्डर ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे, हम खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, खाली जगह पे माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे और वहां पे हमारे पास ऑप्शन आएगी एक न्यू की, और न्यू में हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एंटर द नेम ऑफ फोल्डर ऑफ योर चॉइस, उसके बाद अपने चॉइस का फोल्डर का नाम एंटर करेंगे और हमारा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप लिखा हुआ है कि ओपन कंप्यूटर ड्राइव वेयर यू वांट टू मेक अ फोल्डर। तो ठीक है, कंप्यूटर की ड्राइव में जाने के लिए हम दिस पीसी के अंदर जाएंगे, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है दिस पीसी, यहाँ पे भी ड्राइव शो करती है दिस पीसी की और यहाँ पे भी आ रही है। तो ई ड्राइव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं ये एम्प्टी स्पेस, मतलब ये वाइट स्पेस जो है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखो न्यू और ये फोल्डर, ये देखो फोल्डर बन गया। अब क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो नाउ राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया हो गया, उसके बाद एंटर द नेम ऑफ फोल्डर, उसके बाद फोल्डर का नाम हम अपनी चॉइस का एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे नाम एंटर कर दिया हमने ऋषभ, ठीक है, और खाली जगह पे फिर क्लिक कर दिया इस तरह से, ये फोल्डर जो है हमारा बन गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 है, हाउ कैन वी रीनेम अ फोल्डर, एक फोल्डर का जो नाम है हम उसको दोबारा कैसे बदल सकते हैं। मान लो हमने फोल्डर का जो नाम है उसको बदलना चाहते हैं, ये गलती से फोल्डर का नाम रख दिया है, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, दी स्टेप्स टू रीनेम अ फोल्डर, फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन फोल्डर एंड सेलेक्ट रीनेम। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे उसी फोल्डर के ऊपर जो बना होगा और सेलेक्ट करेंगे फिर रीनेम। नाउ एंटर द फोल्डर नेम ऑफ योर चॉइस, उसके बाद अपनी चॉइस का नाम, जैसे यहाँ लो यहाँ पे ऋषभ की जगह, ये देखो राइट क्लिक किया ना मैंने, राइट क्लिक के ऊपर ही ओपन वाली ऑप्शन आती है और यहाँ पे ये देखो कट कॉपी डिलीट और रीनेम की ऑप्शन आती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे फिलहाल रीनेम की, तो रीनेम पे क्लिक किया, ऋषभ की जगह मैंने यहाँ कर दिया रीना और ये क्लिक कर दिया खाली जगह पे, ये देखो इसका नाम जो वो रीनेम हो गया। ठीक है, दोबारा नाम रखने को हम बोल देते हैं रीनेम करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो हाउ कैन वी मूव अ फोल्डर और फाइल, एक फोल्डर या फाइल को हम कैसे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, आंसर, द स्टेप्स टू मूव अ फोल्डर और फाइल आर, एक फोल्डर को ये फाइल को मूव करने के जो स्टेप्स हैं वो सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन फोल्डर और फाइल, पहले क्या करेंगे, सेम जैसे अभी किया था ना हमने राइट क्लिक, वैसे ही करेंगे,
एंड सेलेक्ट कट कमांड। उसके लिए कट कमांड होती है, फोल्डर या फाइल को मूव करने के लिए कट कमांड का यूज करते हैं हम, ठीक है। नाउ राइट क्लिक ऑन योर डिजायर्ड लोकेशन और फोल्डर दैट एंड सेलेक्ट पेस्ट कमांड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस लोकेशन के ऊपर उसको लेके जाना है, मूव करना है, या जिस फोल्डर के अंदर उसको डालना है, फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, उस जगह पे या उस फोल्डर पे, एंड सेलेक्ट पेस्ट कमांड और पेस्ट कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो ये बनाया ना मैं फोल्डर, ये देखो ई ड्राइव के अंदर है, इस ड्राइव के अंदर है ये रीना नाम का फोल्डर, मान लो इसको हमने इसके अंदर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ये देखो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कट, कट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जाके हम कर देंगे इसको राइट क्लिक खाली जगह पे और पेस्ट, और ये जो है वहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये मूव हो गया। अब ये यहाँ पे नहीं है ई के अंदर, ठीक है, इसके अंदर नहीं है अभी, ये चला गया एफ ड्राइव के अंदर रीना नाम का जो फोल्डर है ये, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहते हैं, तो कट किया मान लो यहाँ पे स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये, ठीक है, ये पेस्ट, ये आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ से मूव हो गया ना ये, यहाँ से ये उड़ गया, यहाँ पे नहीं रहा अभी ये रीना नाम का, ये देखो यहाँ से चला गया, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं मूविंग। चलो अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन बी डिलीट अ फोल्डर और फाइल। एक फोल्डर को हम डिलीट या फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, द स्टेप्स टू डिलीट अ फोल्डर और फाइल। अब डिलीट करने के लिए जो स्टेप मूव करने के लिए थे रीनेम के लिए, सेम वही स्टेप है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट डिलीट कमांड। अब क्या करेंगे, जिस फोल्डर या फाइल को हमने डिलीट करना है उसके ऊपर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे जिसके हम डिलीट करना चाहते हैं, एंड सेलेक्ट डिलीट कमांड, उसके बाद डिलीट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। और एक तरीका और है कि जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं ना फोल्डर को, वी कैन ऑल्सो प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू डिलीट अ फोल्डर और फाइल। मान लो इस फोल्डर और फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं ना, ये एक तो तरीका तो ये है कि इसको हम सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट आ जाता है। अगर यहाँ से नहीं करना तो कीबोर्ड के ऊपर भी बना होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड पे डिलीट बटन, बस इसके ऊपर क्लिक करना और वहां से हमने इस तरह से डिलीट बटन दबाना और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि राइट क्लिक किया डिलीट, ये देखो डिलीट किया, अभी डिलीट होने के बाद कहाँ चला गया, मैंने ये आपको समझाया हुआ है कि डिलीट करने के बाद सारी आइटम्स कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। ये देखो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक और फोल्डर है, ये रीना नाम का फोल्डर जो अभी हमने यहाँ से मूव किया। मान लो हमें ये चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको रिस्टोर, फिर से वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये था फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी थे, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।